यह कहानी जिला सिवनी मध्य प्रदेश के पृथ्वीराज चौहान वार्ड क्रमांक 24 के शंकर चौक भैरवगंज सिवनी की है, जिसमें श्रीमती रामबाई आत्मपूज जिसके घर के सामने 50 मीटर लंबा रोड व नाली न होने के कारण इन्हें बरसात के दिनों में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रामबाई अकेली नहीं बल्कि यहाँ के 20 परिवार और भी हैं जिन्हें ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं रेखा भांगरे और ये मेरा समुदाय। रोड को लेकर आपकी क्या समस्या है? अरे बहुत गंदगी है भाई, बहुत ज़्यादा गंदगी है जी। देखो नाली पूरी ऐसी चितड़ी पड़ी है, पूरी कच्ची नाली। हम सोचते हैं कि नाली पक्की बन जाए, यहाँ से गंदगी हट जाए। कम से कम इतनी बदबू आती है, बरसात में रह नहीं सकते, मच्छर के मारे बड़ी परेशानी, बीमार हो रहे हैं। आने जाने में तकलीफ होती है, बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं तो गिर जाते हैं। हम लोग पानी आने लाते हैं तो नाकते नहीं बनता है। सफाई करने वाले आते हैं? सफाई करने वाले भी नहीं आते हैं यहाँ पर, यहाँ झाड़ू भी नहीं लगती है। आपने कहीं आवेदन दिया इसको लेकर? यहाँ दिए थे, नगर पालिका में दिए। कोई आया था यहाँ पे चेकिंग? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। अब चुनाव के पास पास आएंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं, रोड यहाँ पे है नहीं, नाली भी नहीं है और बरसात के दिनों में कीचड़ हो जाता है, आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है, घरों में सीढ़ आ जाती है। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि नाली का सुधार हो, सड़क बने, रोड बने बढ़िया, आने जाने की व्यवस्था हो। बुजुर्ग लोग आते हैं वो गिर जाते हैं। हम यही चाहते हैं कि नाली बन जाए, रोड बन जाए, यहाँ से थोड़ी सी आने जाने की समस्या बन जाए। मैं चाहती हूँ कि यहाँ के रोड व नाली का निर्माण जल्द से जल्द हो, ताकि बरसात के दिनों में होने वाली परेशानियों का सामना लोगों को ना करना पड़े। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि वह इस नंबर पर कॉल कर दबाव बनाए। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्रीमान राजेश त्रिवेदी, जिनका मोबाइल नंबर है 9425176146। मैं रेखा भांगरे, जिला सिवनी मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ट के लिए।